आप भी YouTube पे काम करते हैं, अगर आपको भी इस तरीके का बैनर बनाना है तो आज मैं आपको बताऊंगा इस तरीके का बैनर कैसे बना पाएंगे। जैसे मेरा बैनर यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कैसा बैनर बना रखा है अपना। क्योंकि बैनर से क्या फायदा होता है, अगर आपके चैनल पे कोई सर्च करके आता है, ठीक है, आपके नाम से सर्च करके आता है, जब वो आपके चैनल पे पहुंचेगा तो उसके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, और जब वो देखेगा आपके चैनल को, यार यहाँ तो इसने ब्रांड चैनल बना रखा है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से चैनल को मैनेज कर रखा है, कस्टमाइज कर रखा है। जब चैनल को कस्टमाइज यही होता है, आप अच्छे से चैनल को कस्टमाइज कर लेंगे, ठीक है, ये सोचेगा कि इस बंदे ने तो चैनल को बहुत अच्छे से कस्टमाइज कर रखा है, शायद ये कुछ ना कुछ अच्छा बताता होगा, अच्छे से इसने चैनल को कस्टमाइज कर रखा है। तो वो क्या करेगा, वो आपकी वीडियो को देखेगा और देखने के बाद आपको सब्सक्राइब करके जाएगा। क्योंकि बैनर बनाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बैनर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे अपना बैनर बना रखा है, आपको भी इस तरीके का बैनर बनाना है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे बना सकते हैं, सिर्फ 2 मिनट में आप ऐसा बैनर बना सकते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखना, आज की इस वीडियो में आपको सारी बातें कंप्लीट तरीके से बताऊंगा किस तरीके से आप न्यू बैनर बना सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए, बहुत अच्छा और अट्रैक्टिव बैनर, ठीक है। आपको कस्टमाइज करना होगा अपने चैनल को, जब कस्टमाइज चैनल होगा तो आपका कोई भी बंदा आपके चैनल को पसंद करेगा और आपको पसंद करेगा, ठीक है। इस तरीके का बैनर बनाना है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो YouTube से रिलेटेड मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो चलिए मैं दूसरा वीडियो को शुरू करता हूं और आपको बताता हूं किस तरीके से आप ऐसा बैनर बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आप पिक्सल लेब एप्लीकेशन यूज करते होंगे थंबनेल बनाने के लिए, तो आपको करना क्या होगा, अपने पिक्सल लेब एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, और जब पिक्सल लेब एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पे न्यू टैब का ऑप्शन आ रहा है, इसको डिलीट कर दें, और डिलीट करने के बाद आपको करना क्या होगा, आपको 3 डॉट पे जाना है, और 3 डॉट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली 3 डॉट पे क्लिक कर लें, और क्लिक करने के बाद इमेजिंग साइट पर जब क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने कस्टमाइज का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे कस्टमाइज का, तो आपको सिंपली करना क्या, इसी पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूट्यूब चैनल बैनर, ठीक है, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद देन आपको करना क्या है, सिंपली आपको यहाँ पे डबल टैप वाले ऑप्शन पर आना है, यहाँ पे आपको डबल टैप का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली इसी पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कॉलर का ऑप्शन मिलेगा साइड में, कॉलर वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना जो भी आप बैनर का बैकग्राउंड रखना चाहें ना, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हरा रखना चाहें, नीला रखना चाहें, कैसे भी रखना चाहें। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर देते हैं, हम ब्लैक रख लेते हैं, ज्यादातर ब्लैक या व्हाइट ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, सिंपली यहाँ पे ब्लैक हमने रख लिया। ब्लैक रखने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली करना क्या, आपको यहाँ पे टैब वाले ऑप्शन पे आना, बीच वाले पे, यहाँ पे इस पे इस वाले ऑप्शन पे आएंगे तो आपको सिंपली इसी पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इनपुट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इनपुट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आपका जो बैनर होगा ना, आपकी जो PNG होगी, आपको वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा आपको कैसे बैनर बनाना है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अपनी कोई भी PNG यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया और यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और इस तरीके से हमने यहाँ पे ये कर दिया। अगर यहाँ पे पहली बार तो हम जैसे कॉलर चेंज करना चाहें तो ये रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने व्हाइट रख लिया, और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे ये आ गया, तो हम यहाँ पे इसको लॉक कर देना है। अब लॉक करने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, आपको ए वाले ऑप्शन पर आना है, इंग्लिश के मतलब बट जो होता है, इस पर क्लिक करना है, आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपको अपने चैनल का नाम लिखना है, ठीक है, यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सौरभ गुरुजी, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इसको ओके कर देना, और यहाँ पे हमें कोई भी कलर यहाँ पे सेट कर लेना, अगर हमें जो भी कलर में यहाँ पे रखना चाहें, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट पे जाएंगे, AA वाले ऑप्शन पे जाएंगे, तो आपको यहाँ पे अपने फॉन्ट अपने तरीके से चूज कर लेने, सेलेक्ट कर लेने, यहाँ पे मैं फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे हमने ये सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सौरभ गुरुजी लिख दिया। अब आपको सिंपली करना क्या, आपके जो चैनल का लोगो है ना, आपको लोगो लगाना है यहाँ पे, तो लोगो को लगाने के लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको टेप वाले ऑप्शन पर जाना है, और यहाँ पे इनपुट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, और जाने के बाद आपका जो लोगो वगैरह होगा आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं अपना लोगो यहाँ पे ये लिया, ठीक है। हम इस लोगो को यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से जूम करेंगे, ठीक है। जूम करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आना है, और इस तरीके से इस पर कट कर लें, और यहाँ पे जैसे भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, यहाँ पे हम अपना बैनर सेट कर लेंगे, सॉरी यहाँ पे हम अपना लोगो सेट कर लेंगे, इस तरीके से हमने यहाँ पे अपना लोगो भी लगा लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा मेरा बैनर यहाँ पे बन के तैयार हो गया। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, ये वाले ऑप्शन पे फिर से जाएंगे, आपको टैब में लिखना है, आप कुछ और जानकारी देना चाहते हैं, जैसे मान चलो मैं टैग सेलेक्टेड बनाता हूँ तो टैग न्यूज डाल सकता हूँ, या फिर आप ब्लॉग डाल सकते हैं, यहाँ पे ब्लॉग के बारे में वीडियो बनाते हैं, या फिर कुछ डाल सकते हैं, यहाँ पे आप फॉलो वगैरह लिख सकते हैं इंस्टाग्राम के, यहाँ पे PNG वगैरह सेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देते हैं टीच न्यूज, ठीक है, यहाँ पे हम टीच, सॉरी यहाँ पे हम डाल देंगे टीच
यहाँ पे अगर टीच न्यू डालना चाहें, टीच सपोर्ट डालना चाहें डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने टीच न्यू डाल दिया और यहाँ पे हम क्या करना है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे इस तरीके से लगा लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बैनर यहाँ पे थोड़ा सा बन के तैयार हो गया। मैं आपको यहाँ पे करके बता रहा हूँ, मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं ज्यादा लंबी वीडियो करूंगा तो आप थोड़े से बोर हो जाएंगे और आप मेरी वीडियो को पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पीएनजी सिलेक्ट कर लेनी है, वो अच्छा बनाने के लिए आता है ये वाला सिलेक्शन का। तो आपको इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ एक पीएनजी बन के तैयार हो गई। तो आपको इसको कलर में भी चेंज कर सकते हैं, ओके करेंगे, सॉरी यहाँ पे इसको इस तरीके से कर देंगे तो यहाँ पे ये वाला इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आएंगे हम तो सीधे यहाँ पे कॉलर का ऑप्शन मिलेगा साइड में ये वाला, तो आपको कॉलर वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे इसको डार्क कर देना है, मतलब कि यहाँ पे रेड कलर की पीएनजी हो गई। तो अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से इसको सेट कर देना है। यहाँ पे अगर आप लगाना चाहें तो यहाँ पे डबल टैप कर लें और आप यहाँ पे लगा सकते हैं इस तरीके से। अब लगाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे मान के चलो आपको यहाँ पे सिंपली इसको पीएनजी को लॉक कर देना है। यहाँ पे मैं आपको लॉक करके दिखाता हूँ, पीएनजी आप लॉक कर देंगे तो आपका जो वो है ना आपका लोगो वगैरह यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर लोगो पे क्लिक करेंगे, इसको डबल टैप में ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस तरीके से यहाँ पे बना दिया। अगर आपको यहाँ पे फेसबुक ऐसे वगैरह वगैरह कुछ लगाना है यूट्यूब के बारे में, तो यहाँ पे और चीज बता देता हूँ आपको। तो सिंपल आपको यूट्यूब का लोगो लगाना है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद इसको जूम करके छोटा करके कहीं भी इसको इस तरीके से सेट कर लेंगे, इस तरीके से सेट कर लेंगे कहीं पे भी बहुत आराम से नॉर्मल तरीके से आप इसको सेट कर लेंगे। तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे इस तरीके का बैनर बनकर तैयार होगा। आप इसी तरीके से बैनर बना सकते हैं। तो आपको भी इस तरीके की पीएनजी की जरूरत है, अगर आपको बैनर बनाना है आपके पास पीएनजी नहीं है तो आपको पीएनजी डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिलेगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसको ज्वाइन करके वहाँ से आप पीएनजी डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पे और भी पीएनजी मिलेंगी बहुत सारी, आप किसी भी तरीके की पीएनजी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको ये सारी बातें समझ में आई हो तो मुझे कमेंट में बताना। अगर आज की आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो यूट्यूब से रिलेटेड मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।